सो हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले पंजाबी सिंगर का रियल गर्लफ्रेंड्स कौन है। सो लेट्स गो फॉर वीडियो। आपका फेवरेट सिंगर अगर इस लिस्ट में तो कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना एंड सब्सक्राइब नाउ। पहले नंबर की बात करें तो गुरु रंधावा को तो आप लोग जानते होंगे, जो कि लाहौर से लेकर हाई रेटेड से लेकर पटोला सॉन्ग से भी ऑलमोस्ट हिट सॉन्ग्स भी बनाए हैं, जिसपे 100 मिलियन प्लस व्यूज आते हैं इनके सॉन्ग्स पे। सो इनकी तो जीएफ होनी चाहिए। सो इनकी जीएफ या फिर नहीं, चलो बताते हैं। सो हम आपको बता दें कि गुरु रंधावा की जीएफ नहीं है। बाकी गुरु रंधावा एंड नोरा फतेही का अफेयर चल रहा था एंड 2018 में गुरु एंड उर्वशी के बीच में भी अफेयर चल रहा था, बाकी ये सब कुछ अफवाह था। गुरु रंधावा की जीएफ नहीं है। दूसरे नंबर पे है गुरी को तो आप लोग जानते होंगे, यार बेली, मिलो नाम, नीरा इश्क, ऐसे बहुत सारे सुपर हिट सॉन्ग्स बना चुके हैं गुरी अपने लाइफ। सो गुरी की जीएफ है या फिर नहीं, सो चलो बताते हैं। सो आपको बता दें कि गुरी की जीएफ कोई नहीं है। उन्होंने खुद लाइव आके खुद बताया था कि इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया था कि क्या आपकी जीएफ है या फिर नहीं, तो गुरी ने साफ मना कर दिया था। अब बात आती है जस मानक को तो आप लोग जानते होंगे, जिसका लहंगा पराडा व्याह गर्लफ्रेंड ऐसे सुपर हिट सॉन्ग्स के लिए जाने जाते हैं। इनका लहंगा सॉन्ग जिसपे 1.4 बिलियन के साथ मोस्ट व्यूड सॉन्ग है इंडिया का। तो आपको यहाँ बहुत सारे पूछते हैं कि क्या जस मानक की जेएफ है, तो हम आपको बता दें कि जस मानक की जेएफ नहीं है। उन्होंने कई बार इन्फॉर्मेशन दिया है कि लाइव शो या फिर लाइव परफॉर्मेंस, उन्हें हर हमेशा बोला है कि मेरी कोई जेएफ नहीं है। बट जस मानक को बहुत सारे जस एंड सोलिना को पे ऊपर जेएफ भी पोर रहे थे, इसलिए जस मानक ने सोलिना के साथ सॉन्ग बनाना ही बंद कर दिया था। सो चौथे नंबर पे आते हैं करा रंधावा तो अपने करियर में व्यस्त हैं, अपने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स बना रहे हैं, बाकी ये अभी अपने करियर को हासिल नहीं किया। तो करा रंधावा यही कहते हैं कि पहले मैं अपनी करियर बनाना चाहूँगा, फिर अपना जीएफ एंड व्याह करूँगा। सो यही है कि करा रंधावा ने अभी तक अपनी जीएफ नहीं बनाई। सो आपको इसमें क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। सो थैंक यू सो मच। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।